हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एकदम जोरों पर है और आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा सैंपल पेपर दो सैंपल पेपर हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं आज हम थर्ड सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर में हम एग्जाम का पैटर्न ही फॉलो करेंगे रीजन वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न को लेकर चलेंगे और एक पेपर को सॉल्व करेंगे शुरू करते हैं पेपर के साथ पहला सेक्शन कौन सा होगा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का और फर्स्ट सेक्शन में क्या बात करेंगे हम किस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हमारे पास होंगे एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस जिनमें से बेस्ट सुटेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो सही होगा वन बाय वन क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कैटिनेशन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मैक्सिमम कौन से एलिमेंट में होती है कार्बन सिलिकॉन सल्फर या फॉस्फोरस तो कैटिनेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है कार्बन में होता है कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कुकिंग करते समय वाइल कुकिंग बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैक अगर खाना पकाते समय बर्तन का जो बॉटम है वो ब्लैक होने लगे तो उसका क्या मतलब है क्या क्या ऑप्शन है फूड इज नॉट कंप्लीटली फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली फ्यूल इज वेट या फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली अब जरा इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अगर ये तुम्हारा वेसल है इसमें खाना रहा है ठीक है और यहां पर तुम्हारी फ्यूल जल रही है ये हीट है फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली अगर खाना अच्छे से नहीं पका तो खाना तो अंदर है ना उसका वेसल के बॉटम से कोई भी लेना देना नहीं होगा तो पहला ऑप्शन तो हटा देंगे उसके बाद फ्यूल इज वेट अगर हमारा फ्यूल गीला है तो इट विल नॉट बर्न ऑब्वियसली या वाटर इवेपोरेट आउट हो जाएगा मेजर ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं पहला फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली या फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली अगर फ्यूल नहीं बर्न करेगा पूरी तरह से तब वो डिपोजिशन के फॉर्म में सूटी फॉर्म में बॉटम पर डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली अगर खाना बनाते समय वेसल का बॉटम ब्लैक होने लगे तो इसका मतलब फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ये रिएक्शन दी हुई है बैलेंसड इक्वेशन विच रिप्रेजेंट रिएक्शन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमें आती है ऑप्शन देखे हमने बोर्ड एग्जामिनेशन दो का सवाल है ये चेक करते हैं कहां पर बैलेंस है सब कुछ दो सोडियम है और यहां पर एक सोडियम है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया दो सोडियम है दो सोडियम है चार हाइड्रोजन है टू एंड टू हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है और ये दो ऑक्सीजन है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर करेक्टली कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CaCl2। सी एल टू अब जरा इसे आय के फॉर्म में अगर ब्रेक करो तो क्या बना दोगे सी ए सी एल यहां पर क्या लिखा है टू और इसके पास यहां वन है ना तो ये वन अब इन्हें जरा क्रॉस कनेक्ट करो कैल्शियम पे कितना चार्ज रहा होगा टू रहा होगा और कैल्शियम पे चार्ज किस फॉर्म में प्लस के फॉर्म में और क्लोरीन पर माइनस ऐसा कुछ रहा होगा और क्लोरीन कितने रहे होंगे दो तभी तो ये टू नेगेटिव क्या हुआ होगा बैलेंस हुआ होगा अब जरा ऑप्शंस ढूंढ लो कैल्शियम टू पॉजिटिव कैल्शियम टू पॉजिटिव के हमारे पास चारों ऑप्शन है क्लोराइड नेगेटिव क्लोराइड पे वन नेगेटिव, टू नेगेटिव नहीं और यहाँ पर तो नेगेटिव है ही नहीं तो ये नेगेटिव और प्लस दो क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर डिपिक्ट करेगा नेक्स्ट जो फूड कैंस होते हैं उनकी कोटिंग टिन से क्यों की जाती है जिंक से क्यों नहीं की जाती क्या ऑप्शन है जिंक महंगा होता है जिंक इज कॉस्टलियर मिल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है जिंक इज मोर रियक्टिव या zinc is less reactive. हम क्या चाहेंगे एक कैन के अंदर एक कैन हो तुम्हारे पास उस कैन के अंदर क्या रखा हो फूड कंटेंट रखा हो इसकी कोटिंग तुम कैसे मेटल एलिमेंट से करना चाहोगे जो हमारे फूड के साथ रिएक्शन ना दे फूड के साथ रिएक्ट ना करे अब मैंने अगर बोला कि इसकी कोटिंग टिन से कर दो तो इसका मतलब टिन रिएक्ट नहीं करता तो जिंक क्या करता होगा रिएक्ट कर जाता होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बिकॉज जिंक इज मोर देन टिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्मड बाय रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोनियम मतलब एच प्लस कौन सी रिएक्शंस दिख रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर तो कौन सा आयन मिलेगा हाइड्रोक्साइड क्या अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना है ना तो एक काम करो कौन सा आयन चाहिए आयन चाहिए H+ अब जरा यहाँ पे एलिमेंट्स देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर NaOH है कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर CaCl2 है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर और इथेनॉल एंड वाटर अब वाटर सब में कॉमन है तो जरा वाटर को हटा दो वाटर से तो एच प्लस माइनस मिलेगा ही वो कॉमन बात हो गई अब यहां पर जो एड किया है उसमें देखो कौन है जो एच प्लस रिलीज करेगा NaOH क्या प्लस दे देगा? Na देगा और ओ एच माइनस देगा कैल्शियम क्लोराइड क्या देगा कैल्शियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा एच सी एल क्या देगा एच प्लस और Cl माइनस और इथेनॉल क्या देगा सी टू एच फाइव ओ माइनस और एच प्लस तो यहां पे जिस ओम जिस एच प्लस की बात की गई है वो हमें कहां ज्यादा मिलेगा एसिडिक कॉम्पोनेंट कौन सा ज्यादा है एच सी एल इज अवर स्ट्रॉग एसिडिक कॉम्पोनेंट तो हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है याद है तो याद है नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल करेंगे सोडियम कार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये थोड़ा सा लंबा सवाल है यहां पे एक पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज से जोड़कर सवाल पूछा गया है क्या लिखा है विनए ऑब्जर्व द स्टेन ऑफ करी बिकम्स रेडिश ब्राउन वेन सोप इज स्क्रप्ड ऑन इट उसकी शर्ट पर एक करी स्पॉट लगा जब हमने सोप रब किया तो क्या हुआ वो स्पॉट कन्वर्ट हो गया रेडिश ब्राउन लेकिन इट टर्न्स येलो वेन शर्ट इज वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वॉटर फिर जब बहुत सारा पानी डाला गया तो शर्ट का कलर स्टेन uh, का कलर कैसा हो गया येलो कलर हो गया कौन सा रीजन हो सकता है अब यहां पहले बात होगी सोप के रिस्पेक्ट में सोप का नेचर कैसा है एसिडिक या बेसिक और फिर बात होगी इंडिकेटर इंडिकेटर कहां से आ गया जो करी उसकी शर्ट पे गिरी थी उसमें क्या रहा होगा टर्मरिक रहा होगा जिसने कलर चेंज किया आप देखो जब सोप पड़ा तो कलर कैसा हो गया रेडिश ब्राउन अब जरा इस बात को रिलेट करके देखो सोप के साथ कैसा कलर आया रेडिश ब्राउन कलर आया अगर सोप एसिडिक होता इन केस, सोप इज एसिडिक तब क्या होता टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव रेडिश टिंज इन एसिड

सोप इज सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स सोप कैसे होते हैं नेचर में सोप्स आर बेसिक इन नेचर सोप का नेचर कैसा होता है बेसिक इन नेचर होता है और कैसा कलर देता है वो बेसिक मीडियम में रेडिश टिंज देता है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 2 क्या है सोप इज बेसिक इन नेचर और उसके ही रिस्पेक्ट में इंडिकेटर की बात की गई है टर्मरिक गिव्स रेडिश इन बेसिस तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियम यह भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अगर याद है तो सही नहीं याद तो कुछ नहीं कर सकते फिनॉफ्तलीन बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है पिंक कलर देता है और मिथायल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देता है रेड कलर देता है क्या याद रखना है पिंक कलर देता है कौन से मीडियम में बेसिक मीडियम में अब अगर बेसिक लिखो तो उसमें दो पी इन्वॉल्व हो रहे हैं कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं ये भी देखो अगर मैं बी लिखूं इट इज अप ऑफ वन पी एंड टू पी स्मॉल पी ठीक है तो फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर कौन से मीडियम में बेसिक मीडियम में बेसिक मीडियम में फिनॉफलिन गिव्स पिंक कलर याद रखना इस बात को और मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देता है रेड कलर देता है कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर थर्टी मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो सोल्यूशन किसका है कॉपर सल्फेट का और उसमें क्या डाल दिया जिंक डाल दिया जब जिंक डाल दिया तो क्या देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जिंक सल्फेट सोल्यूशन बनेगा और कॉपर बाहर हो जाएगा जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है कलरलेस होता है तो हमें सोल्यूशन कैसा मिल जाएगा कलरलेस सोल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन माइल्ड नॉन क्रोजिव बेसिक सॉल्ट इज इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो माइल्ड है नॉन क्रोजिव है और बेसिक इन नेचर है क्या क्या ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इन चारों में से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है नॉन कोरोजिव माइल्ड बेस माइल्ड नॉन बेस कौन सा है सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन एडिंग डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब अब क्या किया गया डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग अ मेटल एक्स इसके साथ में एक मेटल रख दिया गया अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड एक कोई गैस प्रोड्यूस हुई जो कि कैसी है कलरलेस इन नेचर है वेन अ बर्निंग मैचस्टिक जलती हुई माचिस जब हम उसके पास लाए तो क्या हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स मेटल एक्स H2SO4 के साथ किसी मेटल को रिएक्ट कराने की कोशिश की गई तो क्या देखा गया कि वहां पर एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई होगी ऑब्वियसली यहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ होगा तो ऐसी कंडीशन में मेटल कौन सा रहा होगा हमारा सोडियम मेटल अगर हम सोडियम के साथ एच टू सो फोर की रिएक्शन कराएं क्या होगा सोडियम के साथ एच टू सो फोर की रिएक्शन करा के देखो क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी यहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन विच इज अ कलरलेस गैस नेक्स्ट क्वेश्चन विच करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो सोडियम ऑक्साइड रिप्रेजेंट करता है अगर sodium oxide की बात करें, ये रहा ऑक्सीजन कितना चार्ज होता है प्लस वन और यहां पर होता है माइनस टू अब इनका फॉर्मूला बना के देख लो क्या मिल जाएगा एन ए टू ओ तुम्हें इतने ही स्ट्रक्चर का काम है एन ए प्लस एन ओ टू नेगेटिव अब जरा आ जाओ ऑप्शन के ऊपर देखो कहां पर Na प्लस लिखा हुआ है एनए प्लस टू नहीं होता Na प्लस, प्लस और ये तो से हटा दो अब क्या बचा ओ टू नेगेटिव, ओ के पास टू नेगेटिव, और यहां पर ओ के पास वन नेगेटिव तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसके लिए एक कॉन्सेप्ट रहता है और वो कॉन्सेप्ट है ये ऑप्शन ए हम कब सेलेक्ट करेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों के स्टेटमेंट सही हो साथ में रीजन इज गिविंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑप्शन बी हम सेलेक्ट करेंगे तब जब असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स तो दोनों सही हैं लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन प्रॉपरली ऑप्शन सी हम सेलेक्ट करेंगे व्हेन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स और ऑप्शन डी हम सेलेक्ट करेंगे जब असर्शन इज फॉल्स लेकिन रीजन इज ट्रू तो ये है ए बी सी और डी जब आप एग्जामिनेशन में पेपर देखोगे तो आपको हर क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेनेटरी मिलेगा अभी हम क्या करेंगे एज अ होल बात करेंगे जितने भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं उनका आंसर हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिराइव करेंगे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एच सी एल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड और रीजन क्या है ऑन डिसोसिएशन एच सी एल ही लेसर हाइड्रोजन आय फॉर द सेम कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये जो डिफ्रेंसिएशन है किस बेसिस पे आता है कि अगर हम सेम कंसेंट्रेशन के दो एसिड लें एसिड ए और एसिड बी जो दिन कंसेंट्रेशन क्या हो सेम हो और उन्हें डिजोल्व करें तो हम क्या देखेंगे वो एसिड जो ज्यादा नंबर ऑफ एच प्लस प्रोड्यूस करता है ज्यादा एक्सटेंट में डिसोसिएट होता है वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और ऐसा एसिड जो कम नंबर ऑफ एच प्लस प्रोड्यूस करता है जिसका डिसोसिएशन एक्सटेंट कम है वो हो गया हमारा एच सी एल इज एट्रॉगर एसिड एसिटिक एसिड ट्रू लेकिन ये ये जो रीजन है ये गलत है गलत अगर एसिड तो तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स इसलिए हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कार्बोनिक एसिड इज अ

तब वो 100% डिसोसिएट करता है या कंप्लीटली आयोनाइज करता कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इट इज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली तो असर्शन अगेन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल टू फॉर्म वेजिटेबल घी बिल्कुल सही वेजिटेबल ऑयल का स्ट्रक्चर कैसा होता है अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तब क्या देखते हैं यहाँ पे सैचुरेशन हो जाता है और हमें वेजिटेबल घी मिल जाता है रीजन में क्या लिखा हुआ है दिस रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन क्या ये रिएक्शन सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप यहाँ क्या बना रहे हो फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी अगेन असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ होमोलोगस सीरीज द फॉर्मूला फॉर द सेकंड मेंबर इज सी टू एच फाइव ओ एंड थर्ड मेंबर इज सी थ्री एच सेवन ओ बिल्कुल सही कैसे डिराइव करेंगे इस बात के बारे में कैसे कर सकते हैं पहला मेंबर एल्कोहल सीरीज का क्या होगा सी दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच मतलब सी एच टू एड करते चलो तीसरा मेंबर क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच अब इसे अगर सिंप्लीफाई करके देखो तो ये क्या है सी टू एच फाइव ओ एच है हमारा सेकेंड मेंबर सेकेंड मेंबर के बारे में क्या लिखा है सी टू एच फाइव ओ एच थर्ड मेंबर क्या है सी थ्री एच कितने तीन दो पांच और दो सात C3H7OH. तो का का क्या क्या है? है. है? बिल्कुल सही सीरीज के दो मेंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है सी एच टू का डिफरेंस होता है और सी एच टू का मास अगर तुम निकालना चाहो कितना निकल के आएगा कार्बन का ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन का टू तो ये कितना होगा फोर्टीन ना कि वन फोर्टी फोर तो असर्शन का स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीजन का स्टेटमेंट गलत है इसलिए फिर से हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सोप्स आर हंड्रेड परसेंट बायोडिग्रेडेबल बट डू नॉट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर करेक्ट डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल बट वर्क वेल विद हार्ड वाटर। सोप और डिटर्जेंट के बारे में अलग अलग बात की गई है में लिखा हुआ है, कि है जो कि सही बात है लेकिन हार्ड वाटर के साथ नहीं काम करते और डिटर्जेंट के बारे में है कि वो हार्ड वाटर के साथ तो अच्छा काम करते हैं लेकिन बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये दोनों ही बातें सही है लेकिन क्या ये डिटर्जेंट का स्टेटमेंट सोप वाली बात को एक्सप्लेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है तो जब दोनों स्टेटमेंट सही हो लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट्रीफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर स्वीट स्मेलिंग सबस्टेंसिस प्रोड्यूस इस्ट्रीफिकेशन में क्या बनेगा ईस्टर्स का फॉर्मेशन और ईस्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी स्मेल कैसी होती है स्वीट स्मेल होती है तो असर्शन की बात सही हो गई अब चलते हैं रीजन की तरफ रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तरफर की रिएक्शन किससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या मिलेगा एल्कोहल एंड सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑप्टेन्ड यहां पर बात हुई है ईस्टर के फॉर्मेशन की और यहां पर बात हुई है ईस्टर के केमिकल प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं लेकिन दीज आर नॉट एक्सप्लेन ऑफ ईच अदर इस कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी वेन असर्शन एंड रीजन बोध आर करेक्ट एक्सप्लेन बट बोध आरक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटेन एक्सिबिट आइसोमरिज्म बिल्कुल ब्यूटेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों ही बातें क्या हैं सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है इसलिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते थे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की हेल्प से रीजन में क्या लिखा है हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई केमिकल रिडक्शन अब ध्यान से देखो एक तरफ असर्शन में लिखा हुआ है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिटिक से होता है और रीजन में क्या लिखा है केमिकल मेथड से होता है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक बात सही है अब तुम तो बताओ कौन, कौन सी बात सही है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से तो ये जो केमिकल रिएक्शन का स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्वर का रीजन में क्या लिखा है सिल्वर रिएक्ट्स विद एच टू एस गैस टू फॉर्म एजी टू एस विच इज ब्लैक इन कलर अब ये दोनों ही बातें अलग अलग है एक तरफ बात की गई एटमोस्फियर के बारे में और एक तरफ बात की गई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में बातें दोनों ही सही हैं लेकिन एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रही है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स कैसे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं क्यों बिकॉज मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल कोई भी ले लो सोडियम ले लो मैग्नीशियम ले लो एल्यूमिनियम ले लो आयरन ले लो कुछ भी ले लो क्या टेंडेंसी होती है इनकी कैसा आयन बनाते हैं ये नेगेटिव बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं क्या बनाते हैं पॉजिटिव आयन सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस टू एल्यूमिनियम प्लस थ्री आयरन प्लस टू या आयरन प्लस थ्री तो ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे करके रिड्यूस कर दे रहे हैं तो अब जरा इन दोनों स्टेटमेंट्स को बिकॉज लगा के जोड़ने की कोशिश करो क्या स्टेटमेंट बनेगा

रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर एज द रिएक्शन इज स्लो रिलीज ऑफ हीट इजरली एविडेंट अब जरा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को असर्शन क्या कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी ले रहा है और रीजन क्या कह रहा है रिलीज ऑफ हीट मतलब एग्जोथर्मिक तो असर्शन बात कर रहा है एंडोथर्मिक के बारे में रीजन बात कर रहा है एक्सोथर्मिक के बारे में यहां पर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी वाई बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे होने के लिए एनर्जी देनी नहीं पड़ती है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है यहां पर हीट रिलीज होती है ये बात अलग है कि जो हीट रिलीज होती है उसका अमाउंट बहुत ही नेग्लेजिबल होता है तो ये थे हमारे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जहां हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अब अगर इनका हमें नेक्स्ट होमोलॉग लिखना हो होमोलॉग का मतलब क्या ऐड कर दो इसमें ऐड कर दो सी एच टू और इसमें भी ऐड कर दो सी एच टू सी एच टू एड करोगे क्या बन जाएगा दो कार्बन थे प्लस वन तीन कार्बन एच टू सी थ्री एच सिक्स और यहां पर सी एच टू एड करोगे तो क्या बन जाएगा सी फाइव एच एट तो ये क्या होगा दोनों होमोलॉग्स होमोलॉग्स में क्या करना रहता है केवल हमें सी एच टू एड करना रहता है राइट वन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखना है अ मेटल विच इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद नाइफ एंड नॉन मेटल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऐसा कौन सा मेटल है जो इतना सॉफ्ट है कि हम चाकू से काट सकते हैं सोडियम और एक ऐसा नॉन मेटल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है कार्बन तुम्हें तो ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है डायमंड के फॉर्म में मिलता है तो हम क्या देखेंगे सॉफ्टेस्ट मेटल इज सोडियम हार्डेस्ट नॉन मेटल इज कार्बन मेटल एंड नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है ऐसा कौन सा मेटल है मरकरी और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है ब्रोमीन तो ये हमारे वन वर्ड आंसर हो गए मेटल विच इज सो सॉफ्ट सोडियम हार्डेस्ट नॉन मेटल कार्बन लिक्विड रूम टेम्परेचर पे ऐसा मेटल कौन सा मर्करी और नॉन मेटल कौन सा ब्रोमीन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसमें हम कवर करेंगे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन क्या है Identify the type of each of the following reaction and write balanced equation for each reaction. Reaction in which reaction mixture becomes warm. अगर तुम एक reaction करवा रहे हो जिसमें reaction mixture heat हो रहा है, तो कैसी reaction है तुम्हारी? फिर तुम्हारी reaction है कौन सी category की? Exothermic reaction. और दूसरी category में क्या बोला गया है? रिएक्शन इन विच इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म अगर तुमने कोई दो सब्सटेंस मिक्स किए और उसके बाद एक सब्सटेंस नीचे डिपॉजिट कैसे रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो एक एग्जाम्पल हुआ हमारा एक्सोथामिक रिएक्शन और एक हुआ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सोथामिक में क्या ले सकते हो अगर हम सोडियम पैलेट्स को वाटर में डिजोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा एनएच NaH मिल जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए क्या क्या ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास लेड नाइट्रेट लो और उसके बाद उसको के आई में डिजोल्व कर दो क्या मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड मिल जाएगा लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा तो दो रिएक्शन कौन कौन सी हो गई एक हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन in electrolytic refining of metal what would you take as anode cathode and electrolyte अब तुम क्या करवाने जा रहे हो तुम करवाने जा रहे हो एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक है तुम्हारे पास इम्प्योर मेटल एक जगह डिपॉजिट होगा प्योर मेटल और बीच में तुम क्या फिल करोगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में क्या करोगे तुम एनोड क्या होगा तुम्हारा इम्प्योर मेटल होगा एनोड तुम्हारा होगा इम्प्योर मेटल और कैथोड होगा तुम्हारा प्योर मेटल क्या होगा इससे और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा मेटल का कोई सॉल्ट होगा अब होगा क्या जब तुम रिएक्शन करवाओगे इसे तुम कनेक्ट कर दोगे रिएक्शन होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा यहां एनोड से मेटल माइग्रेट करके कुछ समय के बाद डिपॉजिट होगा कैथोड पे तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन तुम क्या देखोगे कैथोड की स्ट्रिप मोटी हो जाएगी प्योर मेटल की और एनोड की स्ट्रिप पतली होती चली जाएगी क्योंकि वहां से मेटल माइग्रेट कर रहा है और कुछ समय के बाद जो हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगी जिन्हें हम क्या कहते हैं एनोड मड एनोड पे जो इम्प्योरिटीज थी उनका कचरा तो एनोड विल बी ऑफ इम्प्योर मेटल कैथोड विल बी ऑफ प्योर मेटल और इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा मेटल सॉल्ट लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन are आर कार्बन एंड compounds used as fuels फॉर मोस्ट applications? कार्बन के कंपाउंड्स को हम फ्यूल की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका रीजन है बिकॉज दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अगर हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करें तब हमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है इसलिए हम कार्बन कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैल्शियम क्लोराइड मतलब ये रहा कैल्शियम ये रहा क्लोरीन कैल्शियम टू प्लस क्लोरीन नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सेकेंड कंपाउंड सेकेंड क्वेश्चन वाई डू आयनिक कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है आयंस सॉलिड स्टेट में आयंस का मूवमेंट नहीं हो पाता जबकि अगर हम अपने आयनिक कंपाउंड को पिघला दें मेल्ट कर दें या उसका एक्वा सोल्यूशन बना ले तो आयंस के लिए मूव करना ज्यादा आसान होता है इसलिए क्या होता है कि मॉल्टन या एक्वस स्टेट में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो ड्यू टू इजी मूवमेंट ऑफ आयंस इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये रहा उसका आंसर और ये रहा कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैल्शियम के पास कितने लोन पेयर दो ये किसको डोनेट कर देगा क्लोरीन को क्या बन जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का या इस स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा इलैबोरेट करके देखो तो क्या बनेगा कैल्शियम के पास बाहर बचेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्लोरीन के पास होंगे सेवन इलेक्ट्रॉन्स और यहां भी होंगे क्लोरीन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स अब होगा क्या ये कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन से कनेक्ट कर लेगा और ये इससे कनेक्ट कर लेगा क्या बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया हमें क्या मिल गया कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड की खासियत क्या होती है दीज आर फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता है हमने तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे नहीं दिया बीच में रखा हुआ है हम भी इस्तेमाल करें और तुम भी इस्तेमाल करो तो कोवेलेंट कंपाउंड कौन से जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड डिफरेंस यही होगा आयनिक कंपाउंड में आयन का फॉर्मेशन होता है कोई एक स्पीशी ऐसी होगी जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बना लेगी और दूसरी स्पीशी ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी जबकि कोवेलेंट के केस में ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन की केवल शेयरिंग होती है

नॉन और तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पुअर कंडक्टर एंड सॉफ्ट इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल अगर एसिड की रिएक्शन मेटल से होती है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इलास्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस इसके प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करेंगे हम माचिस की तीली लेकर जाते हैं और वो पॉप के साउंड के साथ क्या होती है बर्न होती है हाइड्रोजन इज लिबरेटेड विद मेटल कोई एग्जाम्पल है तो जिंक मेटल और इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस रीजन बताने हैं एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव बट स्टिल यूज फॉर पैकिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है लेकिन फूड आर्टिकल्स पैक करने के काम क्यों आता है देखो अगर ये तुम्हारा एक फूड आर्टिकल है मान लेते हैं इसकी पैकिंग हम किससे करने जा रहे हैं इसकी पैकिंग हम करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम से ये जो येलो लेयर है ये किसकी है ये लेयर है तुम्हारे एल्यूमिनियम की अब हमें ये तो पता है कि एल्यूमिनियम नॉन रिएक्टिव तो नहीं होता है रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी पोजिशन जो है वो इतना ऊपर है कि इट इज क्वाइट रिएक्टिव टाइप ऑफ मेटल ये है हमारा एल्यूमिनियम अब जब हमने अपने फूड मटेरियल की पैकिंग एल्यूमिनियम से कर दी तो हुआ क्या एटमोसफियर में हमारे पास क्या मौजूद है ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा रिएक्ट करने के बाद क्या बना देगा रिएक्ट करके बना देगा एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर ये जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन इन दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया इस एल्यूमिनियम को कन्वर्ट कर दिया किसमें कन्वर्ट कर दिया इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर किसी भी चीज को अटैक करने नहीं देगा तो जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जनरेट कर देता है हमारे फूड आर्टिकल के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन डू जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, उसके होते है जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लगता है डिस्क्रिप्टिव आंसर ये रहा हमारे फर्स्ट पार्ट का एल्यूमिनियम की फूड कोटिंग क्यों होती है बिकॉज वेन इट कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्साइड विच प्रवेंट्स फर्दर रिएशन और कैल्शियम फ्लोट क्यों होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफाइन ओर्स एंड डिफाइन गैंग अब ओर्स और गैंग होते क्या है और क्या है मिनरल और इंप्योरिटी का कॉम्बिनेशन जमीन में तुम्हें आयरन या गोल्ड या जितने भी ये मेटल्स हैं एज इट इज नहीं मिलते यहां पे क्या होता है कुछ इंप्योरिटी भी मिक्स होती है तो और क्या है मान लो तुम्हारे पास तुमने माइनिंग की सपोज करो तुमने क्या की माइनिंग की और तुम्हें क्या मिले मिनरल्स मिले तो यहां पे क्या होगा मिनरल्स भी होंगे इसमें और थोड़ी सी इंप्योरिटी भी होगी इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं और कहते हैं और सिर्फ इंप्योरिटी को क्या कहते हैं गैंग कहते हैं तो इस बात को और अच्छे से कैसे समझा जा सकता है इंप्योरिटी प्लस मिनरल मिला के क्या बना

और में जो इंप्योरिटी होती है उसे गैंग कहते हैं और मिनरल के साथ गैंग का combination क्या बनाता है? और बनाता है है अब इसके बाद चलेंगे next section हम हम की तरफ जहां करेंगे राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम सेकेंड पार्ट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और तीसरा

क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम की बात अगर करें क्या मिलेगा हमें टू एट टू तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की बात करें अगर एट तो टू और सिक्स तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर छह इलेक्ट्रॉन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये क्या बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ एन ए टू ओ और एम जी ओ अब एन ए टू ओ और एम जी ओ का फॉर्मेशन कैसे देखेंगे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो एक कितने सोडियम से कंबाइन कर लेगा दो सोडियम से कंबाइन करेगा और क्या बना देगा एनए टू ओ लेकिन अगर इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो दो इलेक्ट्रॉन दे सके जैसे कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे दो इलेक्ट्रॉन्स थे तब क्या होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लेगा और क्या बना देगा एम जी ओ थर्ड पार्ट क्या था आयन्स प्रेजेंट तो कौन कौन से आय प्रेजेंट है देखो सोडियम आयन ऑक्साइड आयन मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन तो कौन कौन से है एन ए प्लस ओ टू माइनस एम जी टू प्लस और ओ टू माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एंड क्लोरोपेंटेन सेकेंड पार्ट स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू में क्या रिलेशन है थर्ड पार्ट एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर चाहिए हमें इनका और डिफ्रेंसिएट करना है सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड को वन बाय वन करेंगे ब्यूटेनोइक एसिड मतलब चार कार्बन और कौन सा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चार कार्बन वन टू थ्री फोर और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्लोरो पेंटेन पांच कार्बन होने चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव पेंटेन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे एक सब्सटीटूएंट होगा कौन सा होगा क्लोरो तो क्या लिख देंगे सीएल नेक्स्ट क्वेश्चन इनका आपस में रिलेशन क्या है इनका आपस में क्या रिलेशन है ये आपस में है चेन आइसोमर्स कैसे आइसोमर्स है ये चेन आइसोमर्स चेन लेंथ में क्या है डिफरेंस है यहां पर तो इसलिए इन्हें हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड उस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होता है छोटा सा डिफरेंस कितना होता है केवल अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तो उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और अगर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तब क्या होगा सी एन एच टू एन माइनस टू और सैचुरेटेड के लिए सी एन एच टू एन प्लस टू कैसे याद कर सकते हो इस बात को सैचुरेटेड के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो सबसे अच्छा है सी एच फोर क्या जनरल फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें सी एन एच टू एन प्लस टू ये हो गया तुम्हारा सैचुरेटेड कंपाउंड अब तुम डबल बॉन्ड लगाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा कम होता चला जाएगा ये तो एक कार्बन का एग्जाम्पल है अगर तुम दो कार्बन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का नंबर डिक्रीज कर जाएगा तो सैचुरेटेड और में बेसिक डिफरेंस यही हो गया बाकी सैचुरेटेड हैव ओनली सिंगल बॉन्डिंग जबकि में डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द करोजन ऑफ आयरन करोजन ऑफ आयरन क्या है ऑक्सीडेशन प्रोसीजर है व्हेन आयरन

तब क्या होगा जो एटमोसफियर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करेगी इसके साथ कंबाइन करके एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग तैयार कर देगी जिसके बाद फिर उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकता तो एल्यूमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसकी वजह से एल्युमिनियम डज नॉट गेट्स रस्टिंग हाउ इज कोरोजन ऑफ आयरन प्रिवेंटेड बाय कोटिंग विद अ लेयर ऑफ ऑयल अगर तुम्हारे पास आयरन है और तुमने क्या किया उसके ऊपर ऑयलिंग कर दी ये तुम्हारा आयरन बार है अगर तुम खुला छोड़ देते तो रस्टिंग हो जाती इसलिए तुमने क्या किया इसके ऊपर ऑयलिंग कर दी जब तुमने इसके ऊपर ऑयलिंग कर दी तो यहां पर अब जो मॉइस्चर या जो ऑक्सीजन बाहर से अटैक करना चाहता था मेटल के ऊपर वो नहीं अटैक कर पाएगा ये जो तुम्हारी ऑयल की लेयर है वो तुम्हारे आयरन को प्रोटेक्ट कर देगी और इस तरह से तुम रस्टिंग होने से अपने आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर तब क्या होता है एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है फिर भी करोड क्यों नहीं होता बिकॉज एल्यूमिनियम इज लेस इजली करोडेड ड्यू टू ऑक्सीजन अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फ्रॉम बीइंग डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर. तो ये रहे इसके लैंग्वेज में आंसर तीनों पार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन रहमत क्लासिफाइड द रियक्शन बिटवीन मिथेन एंड क्लोरिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मीथेन और क्लोरीन रिएक्शन को उसने क्या नाम दिया सब्सिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया अब इसे क्या करना है हमें एक्सप्लेन करना है या सपोर्ट करना है, क्या है? Brine brine क्या होता है बेटा एनएसएल के सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज नेक्स्ट पार्ट रेना वाइल डूइंग सर्टन रिएक्शन ऑब्जर्व

पहला क्वेश्चन क्या है मीथेन और क्लोरीन के रिएक्शन को सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहा गया है ये रहा हमारा मीथेन और क्लोरीन सी एच फोर सी एल टू तो जब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा एक एक हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन होता जाएगा क्लोरीन से तो ये कैसी रिएक्शन है ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है सेकेंड पार्ट क्या है क्लोरीन की प्रिपरेशन ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से ये रहा ब्राइन NaCl इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम एक रिएक्शन कराने वाले हैं तो हुआ क्या यहां पे कैथोड पे हाइड्रोजन जनरेट हुई और एनोड पे क्लोरीन जनरेट हो गई इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन का जिसमें हमें एक नेम रिएक्शन काइंड ऑफ दिख रही है वहां पे क्या दिखाया गया x को हीट किया गया और x की स्मेल कैसी है विनेगर लाइक स्मेल है विनेगर लाइक स्मेल किसकी होती है एसिटिक एसिड की तो x क्या है हमारा एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है y क्या है हमारा y के बारे में क्या लिखा गया है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट वाटर के बाद किसे कंसीडर करते हैं इथेनॉल को कंसीडर करते हैं तो y हमारा क्या है इथेनॉल है और जब एसिड और इथेनॉल एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म करेंगे ईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा जेड क्या बनेगा ईस्टर इथाइल एसिड जैसी स्मेल किसकी विनेगर जैसी स्मेल किसकी एसिटिक एसिड की और सॉल्वेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट क्या होता है इथेनॉल और हमें पता है कि जब एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा एक ईस्टर मिल जाएगा तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन

एसिड फॉर्म इन सल्फर ट्राई ऑक्साइड विद वॉटर किसकी रिएक्शन हो रही है एसओ थ्री की रिएक्शन हो रही है वॉटर के साथ क्या बनेगा क्या बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट एक्स फॉर्म ऑक्साइड एक्सओ टू विच इज अजफुल गैस इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड टल जनरली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बोथ या नन ऑफ दीज तो क्या आंसर होंगे इनके सल्फर ट्राइक्साइड जब वॉटर के साथ रियक्ट करेगा तो क्या देगा सल्फ्यूरस एसिड एच टू एसओ थ्री और सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर तो ऑप्शन सी बोथ फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड किस एलिमेंट से मिलकर बनी है कार्बन से तो ऑप्शन सी और नॉन मेटल कैसे एक्ट करते हैं नॉन मेटल खुद इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो खुद रिड्यूस हो जाते हैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो कैसे काम करेंगे दे विल एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसी पैसेज से जुड़े जुड़े हुए दो क्वेश्चन और विच एलिमेंट प्रोड्यूसे बेसिक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड इनमें से कोवेलेंट हाइड्राइड कौन है क्या आंसर होंगे इनके बेसिक ऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैसा है बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और कोवेलेंट हाइड्राइड कौन सा है इनमें से अमोनिया इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड नेक्स्ट पैसेज देखेंगे हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन

एसिड, एसिड हैज़ पॉइंट, पॉइंट किसका सबसे कम होगा का, का ऐसा क्यों? पहली बात तो और का मास ज़्यादा है दूसरी बात कार्बन मतलब का साइक्लिक कंपाउंड ये रहा तुम्हारा साइक्लोहेगेन वट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन क्या हो जाएगा आर वन सी ओ आर टू राइट फॉर्मूला ऑफ कीटोन विद फोर कार्बन चार कार्बन का कीटोन बनाना हो तो पहले तो एक कार्बन पे group लगा दो अब बचे हुए चार तो कार्बन का कीटोनिक कंपाउंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है जनरल सी एच थ्री गे फॉर्मूला ऑफ एन पेंटाइल ग्रुप पेंटाइल मतलब पांच कार्बन होंगे पांच कार्बन का क्या बनाना है हमें पेंटाइल ग्रुप अब इनके आंसर्स डिस्क्रिप्टिवली देख लें अगर इथेन इथेनॉल इथेनोइक एसिड में लोएस्ट किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट इथेन का होगा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये रहा जैसे हमने पीछे बनाकर दिखाया था जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन की बात की गई ये रहा जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन और अगर एक आर को एच से सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या मिल जाएगा एल्डिहाइड मिल जाएगा एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला दिया हुआ है सी एन एच ये क्या है हमारा एल्काइल ग्रुप अगर इसका फॉर्मूला सी एन एच है पेंटाइल के लिए क्या बन जाएगा C5H11 फाइव एच इलेवन दिस विल बी अवर पेंटाइल ग्रुप नेक्स्ट पैसेज सोप और डिटर्जेंट के बारे में है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर क्लींजिंग एजेंट Soap are sodium potassium salt of higher fatty acid. Detergents are salts of sulfonic acid. Soap do not work well with hard water and detergent work well with hard water. Soap are biodegradable. Detergents are non biodegradable. Yeah, they create water pollution. Right functional group present in detergent. Second part, useful product obtained in saponification. Third part, two example of soap. Yeah, two example of डिटर्जेंट तो क्या आंसर होंगे इनके फंक्शनल ग्रुप इन डिटर्जेंट डिटर्जेंट क्या होते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक होते हैं तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में क्या मिल जाएगा हमें सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड एसिड सोल्ट एसओ माइनस एंड एन ए यूजफुल प्रोडक्ट इन सेपोनिफिकेशन जब हम सोप बनाते हैं जब हम साबुन बनाते हैं तो दो बाय प्रोडक्ट जो बहुत काम के होते हैं क्या क्या मिलते हैं हमें ग्लिसरॉल मिलता है और फैटी एसिड सॉल्ट मिलता है दो एग्जाम्पल सोप के सोडियम पामिटेट एंड सोडियम स्टेरेट दो एग्जाम्पल डिटर्जेंट के डी सोडियम लॉरल सल्फेट तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमें लर्न करने पड़ेंगे सोप के एग्जाम्पल्स और डिटर्जेंट के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पैसेज कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम फॉर्म्स अ व्हाइट पाउडर इट इज कंस्टिट ऑफ बेकिंग पाउडर Used in some में होता है? दो कंपाउंड आइडेंटिफाई किए गए पहला एक्स है जो एंटीएसिड की तरह इस्तेमाल होता है कौन सा सोडियम बाई कार्बोनेट हीट करने पर क्या मिला वाई कंपाउंड मिला जो एनहाइड्रस है लेकिन वॉटर एब्सॉर्ब कर सकता है कौन सा सोडियम कार्बोनेट

उसे हीट करने के बाद हमें वाई मिला जो कि इन नेचर है तो वाई क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट अब अगर इस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में करेंगे तो एक वीक एसिड मिलेगा वो क्या होगा कार्बोनिक एसिड होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा सोल्यूशन विल बी एल्कलाइन इन नेचर और थर्ड पार्ट क्या था सोडियम कार्बोनेट कैसा सॉल्ट है इट इज अ बेसिक सॉल्ट ऐसा क्यों बिकॉज इट इज फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो कॉम्पोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट का नेचर वैसा ही हो जाएगा जब बेसिक कॉम्पोनेंट स्ट्रांग है तो सॉल्ट विल बी स्ट्रांग इन नेचर तो ये था हमारा थर्ड सैंपल पेपर ऑफ क्लास टेंथ केमिस्ट्री सिलेबस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स